दिखाना बॉडी। ऐसे दिखाते हैं क्या बॉडी? और दिखाइए और साथ में मैंने बनाई अपने लिए खटाई। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं होटल रूम से मेरा कुछ ऐसा व्यू है, सामने सूरज देवता। तो रूम ऐसा है यहाँ पे, एंड इसके अलावा यहाँ पे मतलब धूप सेकनी है भाई, डायरेक्ट धूप आ रही है रूम। सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। तो आज है 24 दिसंबर और कल है क्रिसमस। लगता है कि क्रिसमस हम देहरादून में ही मनाएंगे। फिलहाल मैं हूँ अपने होटल में जिसका नाम है, भूल गया मैं, तो होटल का नाम है फोर सीजन, जो कि नियर बाई सहस्त्रधारा देहरादून है। एंड अभी मैं आपको मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ होटल का, बाद में होटल भी आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो यार, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने नाइट व्यू में जो होटल का मतलब रूम था और होटल का जो मतलब टेरेस व्यू है, आसपास का लोकेलिटी का व्यू है नाइट में कैसा है, वो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं मतलब सुबह के 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे यहाँ पे कैसा मौसम हो रखा है, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है देहरादून में अभी भी। दिसंबर में 25 दिसंबर के आसपास भी ठंड नहीं लग रही है यार यहाँ पे, मतलब बहुत सही मौसम हो रखा है। होटल रूम से मेरा जो व्यू है वो ऐसा है। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं होटल रूम से मेरा कुछ ऐसा व्यू है, और मैं अभी लेटा पड़ा हूँ सोफे पे। तो अभी चलते हैं छत के आसपास, वो सामने मसूरी वाला ही पहाड़ है, मैं बता देता हूँ आपको छत से दिखाता हूँ। तो रूम अभी थोड़ा सा फैला पड़ा है तो बाद में दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को अपने हाउस कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जाना है, वहाँ पे भी काम है। तो चलते हैं पहले बाहर की ओर, बाहर से भी कुछ ऐसा सिटी व्यू है देहरादून का, और धूप आ चुकी है ऑलमोस्ट। ये होटल का मतलब जो रेस्टोरेंट एरिया है कुछ ऐसा है, एंड इस साइड का व्यू मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। फिलहाल चलते हैं ऊपर के लिए टेरेस पे। सो टेरेस से कुछ इस तरीके का व्यू रहेगा। सो गाइज इस साइड है देहरादून सिटी का व्यू, इधर भी है व्यू, एंड आपको दिखा देता हूँ मसूरी इस साइड में आपको दिखेगा। सामने देखो ये है मसूरी गाइस, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा है यहाँ से भी। बस थोड़ा सा पेड़ पौधे हैं तो मतलब थोड़ा सा मतलब पूरा पहाड़ नहीं नज़र आ रहा है इस साइड में, बट हाँ लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पॉश एरिया है ये वाला भी। और ये रहा सामने तुम्हारा भाई, तो चलते हैं यहाँ से एक व्यू लेते हैं सिटी का। अब बात करते हैं यहाँ के पार्किंग स्पेस की। गाड़ियों की पार्किंग के लिए काफ़ी प्लॉट्स अवेलेबल हैं, इनके खुद के हैं, तो पार्किंग मिल जाती है। होटल के अंदर नहीं मिलती है, लेकिन होटल के पास ही मिल जाती है। मेरी गाड़ी मेन रोड पे ही खड़ी है, ये वाला भी इनका ही प्लॉट है। इस साइड में मतलब आपको पार्किंग मिल जाती है, एक थोड़ा सा पास में इनका प्लॉट है, वहाँ भी आपको पार्किंग मिल जाती है, तो पार्किंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। सुबह सुबह धूप सेकनी है तो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे बैठो इंजॉय करो अपना ब्रेकफास्ट या जो भी करना है आप, डू वट एवर यू डू वॉन्ट टू डू मैन। अगर आपको यहाँ पे आना है तो ये नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, होटल फोर सीजन हैप्पी स्टे, तो ये मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर में, यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको मेज़ा सिटिंग एरिया है, इस साइड में आपको रूम्स मिल जाएंगे। तो ये सारे सिंगल सिंगल छोटे छोटे रूम्स इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन काफ़ी लो बजट लो कॉस्ट रूम इनको मैं कह सकता हूँ, अंडर 1000 भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ ऊपर जिनमें मैं स्टे कर रहा हूँ वो प्रीमियम क्वालिटी के रूम्स हैं, ऑब्वियसली उनमें बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इस साइड में आपको सीटिंग एरिया मिलता है, अगर आप थोड़ा सा बाहर आते हैं यहाँ भी सीटिंग एरिया, आपको प्राइवेट स्पेस मिल जाता है फॉर पार्टी एंड ऑल। इस साइड भी स्टेयर्स हैं, इधर देखो आपको इंजॉय करना है फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको सेपरेट एरिया बना हुआ है, इंजॉय करो, प्राइवेट स्पेस भी है उस साइड में। तो पार्टीज़ वगैरह अगर ऑर्गेनाइज हो, जैसे क्रिसमस पार्टी की यहाँ पे तैयारी चल रही है, तो देखिए क्रिसमस ट्री लगा के बैठे हुए हैं, ऑलरेडी लगा हुआ है, लगाना गया है, तो इसको ये क्रिसमस ट्री बनाएंगे, और अभी भी सजावट का काम चल रहा है। तो होटल का नाम है होटल फोर सीजन रेस्टोरेंट एंड कैफेज़,
सो बहुत ही अच्छा है प्रॉपर्टी। टेरेस पे इन्होंने कुछ इस तरीके का मतलब काम किया हुआ है एंड काफ़ी अच्छा मतलब ब्यूटीफुल सा व्यू दे रहा है ये, एक कैफ़े वाला जो मतलब फील आना चाहिए। तो गाइज ये है फर्स्ट फ्लोर एंड मैं अभी जाऊंगा अपने रूम की तरफ सेकंड फ्लोर पे, देन आई विल गो टू माय सिस्टर्स हाउस। तो ये रेस्टोरेंट एरिया है, तो रेस्टोरेंट एरिया कुछ इस तरीके से है यहाँ पे होटल फोर सीजन का। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट लंच या डिनर का एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है यार, ये प्रॉपर मतलब एक फील दे रहा है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी किया है इन्होंने एंड एक ओपन में जो स्पेस बना होता है ना, तो वो मतलब अलग ही लेवल पे मतलब एक फील देता है। अब आते हैं मेरे रूम के साइड में, तो कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। इस साइड भी खुला हुआ है, इस साइड व्यू है, इस साइड पहाड़ है, तो मजा आ गया। ऐसा है यहाँ पे एंड इसके अलावा यहाँ पे मतलब धूप सेकनी है भाई, डायरेक्ट धूप आ रही है रूम के अंदर, मतलब इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। सामने का व्यू अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बाद में और अच्छा दिखेगा, निखर के आएगा। तो रूम्स में इन्होंने मतलब सोफ़ा दिया है, बेड काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में है, गद्दा भी अच्छा है। तो ये मतलब आपको मतलब यहाँ पे चाय बनाने के लिए सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा काफ़ी स्पेशियस रूम है ये। सो यहाँ पे अलमीरा का स्पेस भी काफ़ी मतलब है, बहुत ही स्पेशियस है ये एंड इसके अलावा भी नीचे भी आपको स्लॉट मिल जाता है, एक मतलब काउंटर टाइप जो बोल सकते हैं, तो काफ़ी मतलब सामान आपका आ जाता है। अभी कमरे में धूप लगी है तो टीवी में भी साफ आ रहा हूँ। तो सामने है स्मार्ट टीवी एंड इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये आपका शेविंग किट हो गया, आपका डेंटल किट है, साबुन वगैरह एंड शैम्पू वगैरह सब कुछ है। ये रहा तुम्हारा भाई रूम में एंड इसके अलावा वॉशरूम कुछ इस तरीके से है, डेफिनेटली यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम के साथ है, गीजर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है वो एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। फिर से मतलब देखो इतना नीट एंड क्लीन है तुम्हारा भाई, कितना क्लियर दिख रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बालकनी स्पेस भी है, अगर आप जाना चाहें बालकनी में तो इन्होंने डेफिनेटली एक कॉमन बालकनी है, लेकिन आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, यू कैन डू Whatever you want to do। सामने का व्यू कुछ इस तरीके से, धूप आ चुकी है, ओ भाई मज़ा आ गया। ये सामने जो घर दिख रहा है बहुत सही लग रहा है, लेकिन घर है स्कूल है समझ नहीं आ रहा, अजीब सा ही मतलब लग रहा है, बट होटल भी हो सकता है, अच्छा है जो भी है। तो नॉन सीजन टाइम पे आपको ये रूम नेगोशियबल मिल जाएगा डेफिनेटली, उस टाइम पे आपको डेफिनेटली 1800 2000 या 2500 तक आपका जा सकता है। एंड इसके अलावा आपको बता दूं इनके पास अदर रूम्स भी हैं, डेफिनेटली इतने प्रीमियम नहीं है लेकिन स्टे बहुत अच्छा है, सेम रूम है, स्मॉल साइज में है, सिमिलर मतलब आपको एमिनिटीज मिल जाएंगी, बट उनका कॉस्ट आपका 1000 से लेके 1500 तक जाता है एंड डेफिनेटली वो बजट रूम्स में भी आ सकते हैं। सो गाइज फाइनली टाइम हो गया है, अब यहाँ से निकलते हैं रूम से, उसके बाद मुझे सिस्टर के घर पर भी जाना है, वहाँ से उनको पिक करूँगा और हम जाएंगे अपने घर के कंस्ट्रक्शन साइट पे, देखेंगे कितना काम हुआ है, कैसा काम हुआ है एंड इसके अलावा डेफिनेटली थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत होगी, पैसों के लेन देन से रिलेटेड हिसाब किताब होगा। फिर जैसे ही हम ट्राई करेंगे कि लंच तक फ्री हो जाए एंड फिर वापस यहाँ आए एंड देन विल डू समथिंग। सो गाइस फाइनली चल रहे हैं, सबसे पहले दीदी के यहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हाउस कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर से नीचे की ओर एंड होटल का रिसेप्शन सामने रहा, भैया बैठे हुए, तो चलते हैं, सामने गाड़ी है। सो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ देहरादून की सड़कों को नापने के लिए और काफ़ी मतलब चेंज देखने को मिल रहा है आज। मैं आपको बता दूँ देहरादून में ये सामने दीवारों पर देखो बहुत ही मतलब यूनिक मतलब एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पे सजावट बहुत हो रखी है। अगर आप यहाँ साइडों में देखो तो बहुत सजाया हुआ है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी दुकानों पे फिक्स मतलब जो उनका बोर्ड या एडवर्टाइजमेंट का स्टाइल होता है, फिक्स कलर फिक्स चीज़ मतलब उन्होंने चूज़ करी है बिकॉज ऑफ मे बी न्यू ईयर मे बी फॉर समथिंग, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं तो अच्छा लग रहा है। तो गाइज जैसा मैं बता रहा था, देखिए सबका कलर लाल कर रखा है, वाइट कर रखा है, तो ये दुकानों में फिक्स कर दिया है यहाँ पे
इनका जो मतलब एडवर्टाइजमेंट का स्टाइल होता है, जैसे कि कोई भी दुकान का नाम है वो फिक्स कर दिया है, इस तरीके का मतलब डिजाइन होगा, इस तरीके का कलर और कॉम्बिनेशन यही यूज होगा। सो गाइज फाइनली पहुंच गए हैं दीदी के घर के पास, अब चलते हैं, पहले गाड़ी पार्क करते हैं। सो गाइज आसपास का एरिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से है एंड धूप लगी हुई है तो ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, चलते हैं दीदी के यहाँ पे, गाड़ी यहीं पे पार्क करिए क्योंकि आगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन की वजह से जगह नहीं थी। आसपास ही सामने जो घर बना है ये भी बहुत मस्त लग रहा है यार देखने में तो, पर यहाँ पे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन चल ही रहे हैं अभी भी घरों के। सो गाइज फाइनली पहुँच गए घर पे और ये शैतान लगा पड़ा है। ओ क्या खा रहा है तू, क्या कर रही है? हाय हेलो। तो गाइज दीदी बना रही है पराठे और क्या बना रहे और चाय दही रायता। अरे रायता भी बना रहे हो, चलो बढ़िया है। कहाँ से लाया था? दूध नहीं, ये मैं तेरे को एक चीज दिखाऊं, तेरे को मैं तेरी फोटो दिखाता हूँ। मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूँ ठीक है, तो गाइस फाइनली नाश्ता आ गया है, पराठे दही और चाय पानी, तो मतलब अब करेंगे भरपेट नाश्ता, तो नाश्ता करने में मजा आएगा। ये भी मेरे साथ करेगी ना तू नाश्ता? ओए इस बार भी आएगा वीडियो में? बॉडी क्या फिर से बोलना? बॉडी बॉडी दिखा रहा है, दिखाना फिर से बॉडी, दिखा बॉडी, क्या दिखा रहा है तू? बॉडी दिखा रहा है, दिखा कैसे दिखाते हैं? ओ भाई बॉडी दिखा रहा है, चल खाना खाते हैं। तो गाइस दीदी और ये शैतान भी जाएगा हमारे साथ अभी, तो अभी हम सब जाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो मिलके आते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा धूप ज़्यादा है बाहर तो शूट कम करेंगे। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ अपने हाउस कंस्ट्रक्शन साइट पे। सो बगल में ये मकान बना है, ये मेरा ऑलमोस्ट आधा बन चुका है एक महीने में। सो गाइस देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे, ये अगले महीने तक छत पड़ जाएगी। तो मेरा इस साइड का हॉल है, इस साइड एक बेडरूम, इस साइड एक बेडरूम, ये मैं सेपरेट कर रहा हूँ 1 आर के, क्योंकि ये किचन और प्लस यहाँ पे से विंडो जाएगी एकदम ओपन, इधर की विंडो इस साइड लगेगी, तो ये मैं सेपरेट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से सीढ़ी जाएगी ऊपर एंड फिर ऊपर का फ्लोर बाद में। सो गाइस फाइनली हमने अपना ये काम कर लिया और अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, मतलब वापस देहरादून सिटी के लिए। ये भी तो देहरादून ही है वैसे, बट थोड़ा सा आउटर एरिया पड़ जाता है। सो फाइनली गाइज मैं रूम पे आ गया हूँ और अभी मेरे साथ दीदी भी है, बच्चे भी हैं, ये सारे आ गए। तो चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद अभी आगे का अपडेट। सो गाइज बाहर आ गए हैं हम देहरादून में, थोड़ा सा अपने मतलब खाने पीने के लिए, थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, मतलब नाश्ता भी क्या बोला, शाम का स्नैक्स। बट एक फिर से मैंने जो पहाड़ों में देखा था अपने घर में चांद और सूरज एक साथ, वो तो सुबह देखा था भाई, अभी तो शाम के 4 बज रहे हैं और आप यकीन नहीं मानोगे मैं दिखाता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं देहरादून से भी भाई शाम के 4 बजे ये देखो चांद, और वो भी इतना बड़ा एकदम सही से दिख रहा है भाई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी हम बाहर ही आए थे डोमिनोज ट्रेंड्स के आसपास, तो कुछ ऐसा मौसम हो रहा है। अगर आपको लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करना है तो बन टिक्की आप खा सकते हो देहरादून में, बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ के लोग। सो गाइज देहरादून में मैं अभी रात के 8 बजे आया हूँ एक शॉप में, यू कैन सी दिस कम्बाइंड शॉप, दिस इंक्लूड्स वाइन एज वेल एंड नॉट ओनली वाइन, इट इंक्लूड्स चकना एज वेल। सो काफ़ी अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा इसमें मतलब एक वाइन शॉप की फीलिंग नहीं आ रही मुझे बिल्कुल यहाँ पे। तो मैं वाइन शॉप में नहीं आया था एक्चुअली, मैं एक्सप्लोर कर रहा था यहाँ पे, तो आई थॉट दिस इज़ समथिंग विच इज़ यूनिक, हमारे दिल्ली के ठेकों से तो बढ़िया मतलब यूनिक फील है। मुझे लगा कि ये कोई चखने वखने की शॉप है, मतलब ओबियसली परचून की शॉप है या ऐसा कुछ जनरल स्टोर टाइप, तो मेरे को कंबाइन फीलिंग देख के मुझे बहुत मज़ा आया कि आई एम फीलिंग गुड कि हाँ यार देहरादून में ऐसा भी है। तो गाइस जो मैं शॉप आपको दिखा रहा था वो है द वाइन वुल्फ ग्रॉसरी, ये है रायपुर रोड पे और सहस्त्रधारा रोड बोल सकते हैं आप इसको। सो गाइज फाइनली रूम पे आ गए हैं एंड अब टाइम हो चुका है व्लॉग एंड करने का,
तो गाइज जिसने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो मेरे को पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो यार। एंड इसके अलावा आपके लिए डेली नई प्रॉपर्टीज़, नए जो ट्रैवल वीडियोस आते रहेंगे। फ्रिक्वेंटली नहीं आ पा रहे बिकॉज हमें जॉब के साथ साथ ये सब कुछ मैनेज करना होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ आपके लिए। सो गाइज तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।